फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल साइंस स्किल। मैं लाया हूँ फिर से आपका अगेन प्रैक्टिस सेट इंडियन एसएसआर एमआर डबल ए का मैथमेटिक्स का सेट। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। हमें स्क्वायर रूट निकालना है 3-4 आयोटा का, यानी कि कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो आपको पता होना चाहिए। चलिए दिखाते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये 3-4 आयोटा है, इसका हमको स्क्वायर रूट चाहिए। तो उससे पहले हम लोग ए और बी पार्ट को देखते हैं कि क्या कैसे निकालते हैं। ए का होता है रियल पार्ट, तो रियल पार्ट का वैल्यू 3 है, और इमेजिनरी पार्ट बी जिसको बोलते हैं -4 है। और इसका अगर स्क्वायर रूट जो निकालते हैं वो निकालते हैं पहले एक्स पार्ट और वाई पार्ट। तो एक्स पार्ट का फार्मूला याद रख लीजिए, √a√a² + b² / 2। और वाई पार्ट के लिए फार्मूला रख लीजिए √a² + b² - a/2। अब यहाँ से a और b का वैल्यू रख के इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा इसका 2, और यहाँ भी a और b का वैल्यू रख के अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 1। लेकिन जो स्क्वायर रूट अंत में निकलेगा वो प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर रूट जो होता है वो प्लस माइनस में रिजल्ट देता है और अंदर में x माइनस आयोटा देता है। तो 2 - आयोटा, क्योंकि x का वैल्यू आया है यहाँ पे देख लीजिए 2, और y का वैल्यू नीचे वालों को सॉल्यूशन करने पे आया है 1। तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे 2 - y की जगह पे 1 रखेंगे तो आयोटा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख पा रहे होंगे एम्पलीट्यूड निकालना है। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है थीटा, एंगल निकालना है। अब इस एंगल को निकालने के लिए एम्पलीट्यूड का फार्मूला जो बनता है वो tan थीटा बराबर y/x बनता है। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो देख लीजिए हम इसका एम्पलीट्यूड निकालना है। उसके पहले हम लोग इसको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में तोड़ेंगे। तो रियल पार्ट बनेगा 1/√3+1 और इमेजिनरी पार्ट बनेगा √3/√3+1, और इमेजिनरी है तो i रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x जो रियल पार्ट बनेगा ये 1/√3+1 बनेगा, और इमेजिनरी पार्ट जो बनेगा वो i का कोफिशियंट होता है तो वो बनेगा √3/√3/1। तो अब x पार्ट और y पार्ट को हम लोग देख लिया। अब जो एम्पलीट्यूड है जिसको बोलते हैं फार्मूला होता है एम्पलीट्यूड का y/x होता है tan थीटा में। तो y बटा x के नीचे जैसे ही रखेंगे तो नीचे नीचे वाला तो कैंसिल होगा, ऊपर बचेगा √3, और tan थीटा बटा बराबर √3 आया। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा कितना डिग्री का वैल्यू, तो π/3। तो एम्पलीट्यूड का मतलब ये होता है इमेजिनरी पार्ट बटा रियल पार्ट tan थीटा के इक्वल होता है। तो वैसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, आंसर देख लीजिए π/3 इज करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, 8, 11, 14 का श्रेणी एपी में है, तो उसका कौन सा पद 320 होगा, यानी कि हमको पद निकालना है, एन का वैल्यू निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे 5, 8, 11, 14 का कौन सा पद 320 है, तो दैट इज ए क्या है, लास्ट पद, यानी कि लास्ट टर्म ये है। अंतिम पद बराबर फार्मूला होता है a+n-1 × d। अंतिम पद का वैल्यू दिया है, यहाँ से प्रथम पद दिया है n-1 × d। d का मतलब होता है कॉमन, तो यहाँ पे d का वैल्यू निकालेंगे तो 8 में से 5 गया 3। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो n का वैल्यू आएगा 106। तो यहाँ पे देख लीजिए 106 इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे 106 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, तीसरा करेक्ट है। नेक्स्ट ए भी है, ए बी ए पी का ही है, लेकिन इसका सम चाहिए। तो देखिए हम लोग सम कैसे निकालते हैं। सम के लिए ए का वैल्यू फाइंड देख लीजिए क्या है, डी का वैल्यू कॉमन डिफरेंस -2 होगा, और लास्ट पद जो an बराबर 47 यानी कि जो लास्ट पद है उससे हम लोग वैल्यू निकालेंगे n का, और जो n का वैल्यू निकल गया तो हम लोग सम का फार्मूला जानते हैं n/2 × 2a + n-1 × d है। तो n बाय का मतलब हुआ 29/2, और 2a + n-1 भी फार्मूला रखकर सबका वैल्यू निकाल देंगे। मतलब मेन चीज़ था कि सम का फार्मूला याद रखिए, और जब लास्ट टर्म दिया है तो उससे n का वैल्यू निकाल दीजिए, ताकि हम लोग को यहाँ n का वैल्यू पुट करने की जरूरत पड़ जाए। तो यहाँ पुट कर सकते हैं, बाकी जोड़ घटाव सॉल्यूशन है, इसको आप कर सकते हैं और आंसर मिला सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है NCR + NCR+1 को जोड़ेंगे
तो हम लोगों को क्या मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर ऊपर n प्लस वन पड़ रहा है, जैसे n r है, n r प्लस वन है, तो एक जो नीचे वाला का अगर एक बढ़ाते हैं तो यहाँ पे x का जो वैल्यू होगा r में एक जुट जाता है, तो यहाँ पे r प्लस वन करेक्ट आंसर बनेगा। तो ये प्रॉपर्टीज है, कॉम्बिनेशन परमुटेशन में आप पढ़े होंगे, कॉम्बिनेशन का प्रॉपर्टीज है कि ऊपर एन सी आर और एन सी आर प्लस वन का जो सम होगा एन प्लस वन सी आर प्लस वन होता है, जो एक्स की जगह पे आएगा, तो एक्स की जगह पे आएगा आर प्लस वन। नेक्स्ट है एक्सपेंशन करना है, और इस मतलब कि एक्सपेंशन में पांचवा पद क्या होगा वो निकालना है। तो इस एक्सेप्शन में पांचवा पद क्या होगा, तो चलिए एक्सपेंशन करते हैं। ये इक्वेशन है, इसका पांचवा पद चाहिए, तो पहला बात कि पांचवा पद चाहिए, तो जाके इसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, r प्लस एक, तो r का वैल्यू फोर हो गया। सेम इसके पिछले सेट में हम ये क्वेश्चन लाए हुए हैं, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। तो इसके वैल्यू फॉर्मूला होता है माइनस वन के पावर फोर इंटू सिक्स सी फोर, फोर का मतलब एक कम करके, जमा पद पूछेगा वहां से एक कम करके, और ये छः कहाँ से, तो जितना का हॉल पावर रहेगा वहां से। और ए पार्ट का, ए पार्ट देख पा रहे होंगे, टू एक्स बाई थ्री का हॉल स्क्वायर, और ये 3 बाई टू एक्स का पावर 4। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, ये कॉम्बिनेशन है, तो इसको 64 दिखा, और ये 2 का स्क्वायर 4 बना, एक्स स्क्वायर बटा 9 बना, और 3 के पावर 4 करेंगे तो 81, और ये बनेगा 16, और एक्स के पावर 4। इसको कैलकुलेशन करेंगे, हम कॉम्बिनेशन का बता दे रहे हैं, कॉम्बिनेशन का कैसे करेंगे, तो इसको फैक्टोरियल 6 लिखेंगे, और 6 में से 4 गया 2, और नीचे भी फैक्टोरियल 4 लिखा जा सकता है, कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने का यही रूल है। और इसको सॉल्यूशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर से ये कटेगा, तो पावर यहाँ पे 2 बचेगा। और नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे, तो पूरा को कैलकुलेशन करने के बाद, कटने छटने के बाद, यहाँ बनेगा 135 बटा 4 एक्स के पावर माइनस 2। तो आप ये अच्छा से चीज़ों को समझिएगा कि अगर कोई भी एक्सपेंशन करना रहेगा किसी भी इक्वेशन का, क्रमा पद निकालना रहेगा, तो कैसे हम लोग निकालते हैं। बाकी तो नीचे सॉल्यूशन है, वो डिपेंड करता है आप पे कि कितना फास्ट कर सकते हैं, कि कैसे चीज़ों को कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, एक्सपेंशन के बाद ए दूरी सूत्र पूछा हुआ है, पी और क्यू का कोऑर्डिनेट्स पता है, तो बोल रहा है कि पी और क्यू के बीच का दूरी क्या है। तो एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ये दूरी सूत्र ही है, ये तो रूल्स ही है, इसको फार्मूला पे बेसिस है, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि ए वन एक्स बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो है, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू समांतर होगी, उसके लिए क्या शर्त है। तो समांतर होने के लिए ए और बी पार्ट को बराबर होना चाहिए, लेकिन सी वन और सी टू को बराबर नहीं होना चाहिए। तो आप ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर दूसरा में ऐसा है, ए वन बाई ए टू, बी वन बाई बी टू बराबर है, लेकिन सी वन बाई सी टू नहीं बराबर है। इसका मतलब है कि अगर समांतर होने के लिए एक कंडीशन है कि एक्स का कोफिशियंट का रेशियो वाई का कोफिशियंट का रेशियो बराबर होना चाहिए, लेकिन कॉन्स्टेंट का रेशियो बराबर नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिंदु इतना एवं इतना के बीच की दूरी। तो जी हाँ, अभी अभी हम लोग फार्मूला देखे हैं कि दोनों के कोऑर्डिनेट्स के बीच का दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट अंडर करेंगे। तो सेम थिंग्स, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि फार्मूला बेस्ड है, x1 x2 दिया है, y1 y2 दिया है, y1 का वैल्यू क्या दिया है, तो रूट 5 प्लस 1, y2 का वैल्यू दिया है रूट 3 प्लस 1, रूट 3 माइनस 1। तो आप इसको आराम से सॉल्यूशन कर लीजिएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है, फार्मूला पे बेस्ड है, फार्मूला पे बैठा दीजिएगा, जो सॉल्यूशन करने के आएगा मिला लीजिएगा आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक सर्किल दिया हुआ है, उसका हमसे पूछा हुआ है कि केंद्र क्या है। तो देखिए, अब इसमें भी कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, अगर कोई भी सर्किल का इक्वेशन देखिए आपसे सेंटर का कोऑर्डिनेट्स पूछता है, तो क्योंकि आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए, कैसे इसको सॉल्यूशन करते हैं, कैसे ज्योमेट्री को करते हैं। तो सबसे पहला बात कि अगर कोई भी सर्किल का इक्वेशन है तो उसको जनरल फॉर्म में तोड़ा जाता है, जैसा कि आपको सॉल्यूशन दिखाते हैं। तो ये जनरल फॉर्म है, एक ये सवाल तो इक्वेशन दिया हुआ है, तो जनरल इक्वेशन बनाने के लिए हमने क्या किया कि 3 को सबसे डिवाइड किया, तो यहाँ बनेगा 1, यहाँ भी बनेगा 1, 3 चौके 12, 3 पच्चीस 15, और यहाँ 23 बटा 3 बनेगा। अब यहाँ से करने के बाद जो x का कोफिशियंट होता है वो 2g के बराबर होता है, तो 2g बराबर माइनस 4 और g का वैल्यू माइनस 2, और जो y का कोफिशियंट होता है वो 2f के बराबर होता है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि f बराबर 5 बाई 2। अब जो हम लोग केंद्र निकालते हैं ना, उसका कोऑर्डिनेट्स होता है माइनस g और माइनस f। अब रहा बात कि ऐसा क्यों किए, तो क्योंकि इसलिए ना, क्योंकि सर्किल का ये जनरल इक्वेशन होता है,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जो भी एक्स का कॉफिशियंट है वाई का कॉफिशियंट है। अगर हमको केंद्र निकालना होगा तो माइनस जी माइनस एफ, जी और एफ का वैल्यू लगा दीजिए उसके बाद माइनस से मल्टीपल कर दीजिए। तो ये माइनस टू आया है और इसको अगर माइनस करेंगे तो प्लस टू देगा और यहाँ पे माइनस फाइव बाई टू देगा। तो इस तरह से कॉर्डिनेट्स आया सेंटर का टू माइनस फाइव बाई टू। ऑप्शन देख सकते हैं टू माइनस फाइव बाई टू, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है और 85 का ऑप्शन नंबर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त दिया हुआ है लेकिन इस बार रेडियस पूछा हुआ है कि रेडियस क्या होगा, रेडियस बताइए। इसके पहले हम लोग देख रहे थे सेंटर क्या होगा, तो सेंटर आप फाइंड आउट करना सीख गए हैं। अब चलिए हम लोग दिखाते हैं कि अगर कोई भी सर्कल का इक्वेशन दिया रहेगा तो उसका रेडियस कैसे निकालते हैं। सिंपल, चाहे हमको रेडियस प्राप्त करना है, चाहे सेंटर प्राप्त, सेंटर का कोऑर्डिनेट्स पता करना है, उसको जनरल इक्वेशन में हम लोग तोड़ते ही तोड़ते हैं। तो यहाँ भी पहले जनरल इक्वेशन बनाएंगे। ये इक्वेशन दिया हुआ है, हमको जनरल इक्वेशन लाने के लिए दोनों तरफ 16 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बनेगा 1, यहाँ बनेगा 24 बटा 16, यहाँ 32 बटा 16, यहाँ 9 बटा 16। अब जो कटेगा उसको कटा देंगे तो कटाने के बाद इतना बचता है इक्वेशन। अब 2g और 2f का वैल्यू निकालेंगे तो g और f का वैल्यू निकल गया, क्योंकि हम जैसे पीछे निकाल रहे थे x का कॉफिशियंट 2g होता है और y का कॉफिशियंट 2f होता है। g और f का निकालने के बाद जैसा कि हम लोग वहाँ पे सीखे थे कि सेंटर का के लिए होता है माइनस जी और माइनस एफ, उसी तरह से त्रिज्या के लिए फार्मूला याद रखिए, रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। सी स्क्वायर नहीं है, वो गलती से हमें सी लिखा गया है। तो त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब जी स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, और सी किसको बोलेंगे, तो जो सवाल में दिया गया है जनरल इक्वेशन में जो हम लोग को आया है कांस्टेंट, तो कितना आया है 9/16। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो एक यूनिट आंसर आएगा, आप सॉल्यूशन करके खुद देख लीजिएगा। तो हम आपको एक हिंट्स के तौर पे बता सकते हैं कि चीज़ों को कैसे सॉल्यूशन करना है, बाकी आप लोग तो कैलकुलेशन आता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ये 87 नंबर क्वेश्चन, ये बिल्कुल पिछले लगता है कि सेट 2 या सेट 3 में ऐसा एकदम सेम क्वेश्चन था। एक क्रॉस का स्क्वायर करनी थी और एक डॉट का स्क्वायर करनी थी और दोनों को जोड़नी थी। तो आप सॉल्यूशन करेंगे तो पाएंगे कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। हम हिंट्स कर देते हैं फिर भी, ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा और ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, और दोनों का स्क्वायर करके और फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो अंदर में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू 1 होता है। तो इस तरह से इसका कैलकुलेशन करने के बाद आपको आंसर आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है y बराबर log के अंदर x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इन, तो हमें निकालना है dy बाई dx। तो बिल्कुल यहाँ पे चैन रूल लगेगा, तो चलिए इसका सॉल्यूशन दिखाते हैं। अगर y का वैल्यू दिया है और हमें dy बाई dx पूछ रहा है तो हम पहले इसको चैन रूल से सॉल्व करेंगे। तो चैन रूल पहले इतना के रिस्पेक्ट में कराएंगे, log के अंदर है उसके रिस्पेक्ट में, और इसको फिर x के रिस्पेक्ट में, और आपको तो यहाँ पे प्लस है तो दो पार्ट में सॉल्यूशन करेंगे, एक बार x को x के रिस्पेक्ट में और एक फिर दूसरा बार फिर से यहाँ पे चैन रूल लगेगा। रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को पहले करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 के रिस्पेक्ट में और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को x के रिस्पेक्ट में। तो इसको पहले करा तो पता चला कि log x का x के रिस्पेक्ट में 1 बाई एक्स होता है, तो log इतना का इतना के रिस्पेक्ट में 1 बाई इतना बनेगा, मतलब कि x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, अब x को अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 और इसका करेंगे तो 1 बाई 2 रूट x बनेगा, और जो भी अंदर होगा रूट के उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी चैन रूल लगाए हैं। तो एक्स स्क्वायर का बनेगा 2x और 1 का तो कांस्टेंट 0, 2 से 2 कटेगा, यहाँ पे बचेगा x अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये प्लस 1 में अलग है। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे तब जाके मल्टीपल करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे नेक्स्ट सॉल्यूशन किए हुए हैं। तो ये तो ठीक है, लेफ्ट वाले और फिर राइट वाले को दोनों को इंटू करना है, तो ये दोनों को फिर से एलसीएम लिया तो ऊपर ऊपर से कट गया और अंत में बच रहा है 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सही है, 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट है, अब डिफरेंशिएट करना है लॉग ऑफ 10 टू द बेस एक्स, एक्स के बेस पे लॉग 10 का डिफरेंशिएट करना है। तो हम लोग जानते हैं लॉग का प्रॉपर्टीज है कि अगर कोई भी बेस में है और जिसका लॉग का वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग उसको
log m by जो भी बेस दिया उसको तोड़ सकते हैं। तो ऐसा तोड़ने पे हमको पता चल रहा है कि u by v यानी कि फार्मूला बनेगा यहाँ पे u by v वाला डिफरेंशिएशन। तो फार्मूला में अगर u by v है तो v का स्क्वायर नीचे होता है, v को बाहर निकालेंगे तो u का डिफरेंशिएशन, तो log 10 एक कांस्टेंट है जिसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा, माइनस u को बाहर करेंगे तो log 10 बाहर होगा और v का डिफरेंशिएशन का मतलब 1 by x। अब यहाँ से बच क्या रहा है, ऊपर ऊपर बच रहा है माइनस लॉग टेन और x को नीचे लेके आए हैं, x नीचे लेके आए हैं और log x का होल स्क्वायर। तो देख लीजिए ऑप्शन में कौन है, माइनस log x माइनस log टेन अपॉन x इंटू log x का होल स्क्वायर। तो आप ऑप्शन नंबर देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर चार सही है, माइनस log टेन और अपॉन x और रूट अंडर x रूट अंडर log x का होल स्क्वायर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब y के अंदर tan इनवर्स दिया हुआ है और हमको बोल रहे y के अंदर नहीं सॉरी y बराबर दिया हुआ है, tan इनवर्स के अंदर कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और उसको हमको डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्यूशन करते हैं। देखिए इस डिफरेंशिएशन को आसान बनाने के लिए हमने कुछ मान रखा है r बराबर a बराबर r sin थीटा और b बराबर r cos थीटा। ऐसा करने से चीज़ें बहुत आसान हो जा रही है, मतलब कि जहां a है वहां रख दिया r sin थीटा और cos x, जहां b है वहां रख दिया r cos थीटा और into sin x, और उसी तरह से यहां b के जगह फिर से रखा b r cos थीटा और यहां r sin थीटा। ऐसा करने से आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर और नीचे आर आर कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ बच रहा है साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस कोस थीटा इंटू साइन एक्स और यहाँ कोस थीटा इंटू कोस एक्स, यानी कि कोसे कोस बी माइनस साइन ए साइन बी या कोसे कोस बी प्लस साइन ए साइन बी वाला फार्मूला लग रहा है और आर से आर कट जा रहा है। तो यहाँ पे अब फार्मूला लगा टेन इनवर्स, इसको लिख सकते हैं ऊपर वाले फार्मूला को साइन थीटा माइनस एक्स और नीचे लिख सकते हैं कोस थीटा माइनस एक्स। तो इस तरह से बना ये टेन इनवर्स टेन थीटा माइनस एक्स, और एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का एक प्रॉपर्टी जो है कि टेन इनवर्स टेन एक्स एक्स देता है, तो टेन इनवर्स टेन के अंदर थीटा माइनस एक्स है तो थीटा माइनस एक्स देगा, और थीटा माइनस एक्स के वजह से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि थीटा बराबर टेन इनवर्स ए बाई बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने आर आर बराबर ए कॉस ए साइन थीटा और आर बराबर ही a बराबर r sin थीटा माना है और b बराबर माना है r cos थीटा। तो उस तरह से अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे बन रहा है थीटा, तो थीटा की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स a बाई बी, क्योंकि r से r कटेगा sin थीटा बाई cos थीटा बनेगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, दिखाई देते हैं, जैसे r बराबर a sin थीटा हमने पहले माना था, r बराबर a सॉरी ए बराबर आर साइन थीटा माना, बी बराबर आर कोस थीटा माना, तो ए बाई बी का मतलब क्या होगा, तो ए बाई बी का मतलब आर से आर कटेगा तो टेन थीटा, और थीटा बराबर यहां से लिख सकते हैं टेन इनवर्स ए बाई बी। तो थीटा बराबर हम बोल सकते हैं कि थीटा बराबर टेन इनवर्स ए बाई बी है, क्योंकि यहां से इनवर्स इधर जाएगा, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि टेन इनवर्स ए बाई बी का वैल्यू जो होगा थीटा के बराबर होगा और माइनस एक्स है तो माइनस एक्स, और डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का वैल्यू जीरो होगा और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन जो होगा वो माइनस वन के बराबर होगा। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन, हालांकि ये चीज़ें हार्ड नहीं थी, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था, कॉन्सेप्ट को समझेंगे आराम से डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो माइनस वन होगा, साइन थीटा और कोस थीटा बराबर है तो थीटा तो ज़्यादा ये नहीं है, फार्मूला भी नहीं, मतलब कि याद रहेगा कि साइन थीटा और कोस थीटा का वैल्यू 45 डिग्री पे बराबर होता है, क्योंकि साइन 45 वन बाई रूट टू होता है, कोस 45 भी वन बाई रूट टू होता है, तो 45 डिग्री ही राइट आंसर होगा जो दोनों के लिए बराबर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वाई का वैल्यू दिया है और हमें जो निकालना है दोनों के बीच में एरिया, यानी कि एक्स एक्सिस और जो इक्वेशन दिया है ये दोनों के बीच में एरिया निकालना है। तो चलिए एरिया को देखते हैं, फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो जो इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे y बराबर 4x माइनस x स्क्वायर, हम लोग पहले क्या किए, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ बनेगा माइनस वाई, यहाँ बनेगा माइनस 4x, यहाँ बनेगा x स्क्वायर, उसके बाद दोनों तरफ चार अपने तरफ से जोड़े भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे बनेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर जो माइनस y बाई 2 के बराबर होगा, माइनस में y माइनस 2, क्योंकि यहाँ से हम y को बाहर ले लिए। अब यहाँ से पता चल रहा है कि ये वाला 2 और ये वाला 2 पाराबोला का जो बनेगा वो वर्टिसेस बनेगा और y बराबर 0 पे x एक्सिस को कट करेगा y बराबर 0 पे। तो इसलिए ग्राफ को थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे कट कर रहा है x में 4 0 पे और ये जो
एक पैराबोला का वर्टिसेस है, वर्टिसेस है वो 2-4 है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो एरिया होगा उसका लिमिट 0 से 4 होगा, और ये y dx, y का वैल्यू दिया हुआ है 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको अगर dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो बहुत आसान है, 4x का इंटीग्रेशन करेंगे 4x स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे बनेगा x के पावर 3/3, तो x की जगह पे अगर 4 डालेंगे तो यहाँ पे सॉल्यूशन आएगा, तो आंसर आएगा 32/3 यूनिट स्क्वायर, क्योंकि ये इंटीग्रेशन है लिमिट का है, अलग अलग करके इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट पुट करेंगे 4 से 0। तो ये हुआ कंप्लीट 92 तक के हम लोग देखें, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप टेन थीटा का वैल्यू दिया है और हमें पूछ रहा है कि कॉस थीटा का वैल्यू, तो बिल्कुल टेंथ के बेसिस से है, टेन थीटा का वैल्यू दिया है और हमें कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो टेन थीटा हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा का वैल्यू जो भी दिया है वो पी बाई बी होता है, यानी कि पी और बी का वैल्यू दिया है तो हम बोल सकते हैं हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, तो पी स्क्वायर का हो, बी स्क्वायर का हो जाएगा 5 और इसका हो जाएगा 1, तो रूट अंडर 6 बनेगा हाइपोटेनस का वैल्यू। और जब कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है तो कॉस थीटा क्या होता है, तो बी बाई एच होता है, और बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो बी का वैल्यू तो रूट 5 दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हम निकाले हुए हैं, और अंदर में एच है तो एच का वैल्यू रूट 6 है, तो इस तरह से कॉस थीटा का वैल्यू जो बनेगा वो रूट 5/6 बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट है बोल रहा है कि साइन ए का वैल्यू अगर x के बराबर है तो आप बताइए कि साइन 2a किसके बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे साइन ए का वैल्यू x के बराबर है तो साइन 2a किसके बराबर होगा, तो चलिए हम लोग पहले जो जो वैल्यू दिया हुआ है उससे कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। साइन ए का वैल्यू x दिया है तो हम लोग कॉस ए का वैल्यू लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, तो साइन स्क्वायर ए का मतलब कॉस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसी को हम लोग साइन ए की जगह पे पुट कर सकते हैं। अच्छा साइन 2a का वैल्यू हमको निकालना है तो फार्मूला लिख सकते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस ए, अब 2 का तो 2 रहेगा और साइन ए का वैल्यू x दिया हुआ है और कॉस ए का वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ से रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस तरह से साइन 2a का वैल्यू हम लोग इतना आया 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। नेक्स्ट जो है लिमिट का क्वेश्चन है, लिमिट बोल रहा है कि x टेंड्स टू 0 है और tan x माइनस sin x अपॉन 1 माइनस cos x है, तो हमको लिमिट निकालिए x टेंड्स टू 0 पे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, tan x माइनस sin x अपॉन 1 माइनस cos x है तो इसको sin by cos के फॉर्म में पहले तोड़ेंगे, यहाँ sin x छोड़ देंगे, उसके बाद ऊपर से sin x कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 1 by cos x - 1, उसके बाद हम इसका LCM लेकर जोड़ घटाव करेंगे, यानी कि cos x को LCM लेंगे, ऊपर बनेगा 1 माइनस cos x, इस तरह से कट जाएगा तो बनेगा sin by cos x, जैसे कि दिखाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो 1 माइनस cos x आया था, cos x आया था जो कि नीचे ऊपर कटेगा, तो यहाँ sin x by cos x tan x बनेगा और x tends to 0 है तो tan 0 का वैल्यू 0 होता है। तो ये लिमिट बहुत आसान था, सिंपली आपको नीचे वाले डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर को से कटा देना था और जो बाकी बचेगा x की जगह पे पुट कर देनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट भी लिमिट का ही क्वेश्चन है, बोल रहा है कि tan 2x माइनस sin 2x अपॉन x के पावर 3 है, इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ भी x टेंड्स टू 0 है, तो बिल्कुल वैसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे बसरते tan 2x है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब tan 2x है, x tends to 0 है, तो इसको भी sin 2x by cos 2x के फॉर्म में तोड़ेंगे, इसको वैसे ही छोड़ेंगे, ऊपर sin 2x कॉमन करेंगे तो अंदर में जो बचेगा 1 by cos 2x - 1, और फिर इसको भी जोड़ घटाव करेंगे, भिन्न का जोड़ घटाव है तो यहाँ पे 1 by cos 2x बचेगा और नीचे में cos 2x बनेगा जो कि tan 2x लिख सकते हैं, और 1 माइनस cos 2x का फार्मूला है डबल एंगल से कि 2 sin square x यहाँ लिख सकते हैं, और अपॉन x cube को x square और x के फॉर्म में तोड़ेंगे तो x क्यूब बनेगा, और इसको हम लोग 2 से भागा किए हैं और 2 से गुना किए हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि ये वाला नीचे वाला 2 अगर ऊपर जाएगा तो बनेगा 2 × 4, और जो बाकी भी x में फंक्शन है वो वैसा ही रहेंगे, जिसका वैल्यू नहीं होगा तो 4 जिसका वैल्यू 0 होगा जो कि अनवैल्यूएबल है, तो इसका आंसर आएगा 4, क्योंकि ये नीचे वाला 2 अगर ऊपर जाएगा तो ये 2 और ये 2, 2 × 4, बाकी जो x में फंक्शन है उसका वैल्यू 0 होगा, सो दैट x का वैल्यू आंसर आएगा 4। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे 97। ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता खींचा जाता है, उसकी क्या प्रायिकता है कि गुलाम या बादशाह होगा। तो ताश के पत्ते में जानते हैं हम लोग कि गुलाम और बादशाह, तो गुलाम भी 4 होता है और बादशाह भी होता है 4, तो टोटल मिलाकर
गुलाम या बादशाह होने का चांस जो बनेगा वो 8 बनेगा, और टोटल पत्तों की संख्या 52 होती है। तो आराम से प्रायिकता निकाल सकते हैं कि गुलाम या बादशाह बोल रहा था तो वैसे की संख्या 8 होगा, और 8/52 का मतलब है 2/13, कट जाएगा 2 × 8 और 13 × 52, इसका आंसर आएगा 2/13। प्रोबेबिलिटी से बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे जाते हैं। 10th तक प्रोबेबिलिटी आप कंप्लीट रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि दो पासे को फेंका जाता है और ऊपर वाले आने वाले जो अंकों का सम जो है 7 होना चाहिए, इसकी क्या प्रायिकता है। पहले बात दो पासे फेंके जाते हैं तो टोटल इवेंट्स कितना बनेगा, टोटल सैंपल स्पेस बनेगा 6 का स्क्वायर, क्योंकि दो बार फेंके जाते हैं। अगर यही 3 बार फेंके जाते तो 6 × 3 होता और यहाँ पे 216 होता, तो 2 बार फेंके जाता है तो 6 × 2 मतलब कि 36, और हमें जोड़ चाहिए 7, तो ऐसा कौन कौन सा इवेंट आएगा जिसपे 7 आएगा। तो 1 6, 6 1, 2 5, 5 2, 3 4 और 4 3, तो इतना सारा इवेंट पे जोड़ने पे 7 आना चाहिए। तो कितना इवेंट है जिसको जोड़ 7 होना चाहिए, तो 6, और टोटल कितना होगा तो 36। तो हम लोग प्रायोरिटी निकाल सकते हैं एनी बाई एनएस 6/36 का मतलब 1/6, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है कि dy/dx का वैल्यू दिया है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, बोल सकते हैं, और डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन। dy/dx दिया हुआ है x + y² तो पहले हम लोग इसको पुट कर लेंगे, हम मान लेंगे कि z = जो वैल्यू दिया है वो x + y है, और दोनों तरफ अगर x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कराएंगे तो यहाँ बनेगा dz/dx और x का डिफरेंशिएशन 1 और y का dy/dx, और इसका बनेगा dz/dx और इस y को अगर इधर लाएंगे तो -y और dy/dx, मतलब कि इस dy/dx के जगह पे dz/dx -1 रख सकते हैं। ये जो वैल्यू आया है इसका वैल्यू इतना आया है, तो इसके जगह पे हम लोग इतना रख सकते हैं, और x + y को हम लोग जेड माने हैं तो इसका z² रख सकते हैं, जैसा कि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट पेज में देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि dz/dx -1 = z². अब dz/dx = 1 + z², क्योंकि इधर माइनस है तो इधर जाएगा प्लस में, और एक जाति के लोगों को एक तरफ करके इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ बनेगा 1 + z², दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो इसका बनेगा tan इनवर्स z। फार्मूला होता है 1/1 + x² को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, तो यहाँ z के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ बनेगा tan z, और यहाँ जो बनेगा वो बनेगा dx का x + c। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि z = क्या हुआ, तो tan के अंदर इतना दोनों चल जाएगा, tan के अंदर x + c, और z माने थे x + y को, तो यहाँ से आंसर आएगा x + y = tan x + c अंदर में। तो आप देख पा रहे होंगे x + y = tan x + c, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और जो आज का लास्ट क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, x² dx का इंटीग्रेशन करना है, लिमिट है 0 to 1, तो इसका तो सॉल्यूशन नहीं देखो तो बेहतर है, क्योंकि बहुत सिंपल सवाल पूछ दिया है। x² का x³/3 इंटीग्रेशन होगा और 0 to 1 लिमिट है, और x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1/3 बनेगा, और लोअर लिमिट में 0 है और 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसका राइट आंसर आएगा 1/3। तो कंप्लीट हुआ आज का वीडियो, थैंक यू मेरे इस वीडियो को देखने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।